मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात का मैंने पहले भी कहा था, बहुत बड़ा लाभ है कि मुझे कई जाने अनजाने लोगों से प्रत्यक्ष परोक्ष संवाद करने का सौभाग्य मिल जाता है। पिछले दिनों दूर सुदूर अरुणाचल से एक विद्यार्थी ने, अलीना तायंग, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पत्र भेजा है और उसने लिखा है, मैं पत्र पढ़ देता हूं आपके सामने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम अलीना तायंग है, मैं रोइंग अरुणाचल प्रदेश से हूं। इस बार जब मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया तो मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि तुमने एग्जाम वॉरियर्स किताब पढ़ी क्या। मैंने बताया कि यह पुस्तक तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन वापस जाकर मैंने यह किताब खरीदी और फिर से उसे 2-3 बार पढ़ गई। इसके बाद मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा। मुझे लगा कि यदि मैंने ये किताब एग्जाम से पहले पढ़ी होती तो मुझे काफी लाभ होता। मुझे इस किताब से कई पहलू बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैंने ये भी चीज देखी कि स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स के लिए इस बुक में ज्यादा कुछ नहीं है। मैं चाहूंगी कि अगर आप किताब के नए एडिशन के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो उसमें पेरेंट्स और टीचर्स को लेकर कुछ और मंत्र, कुछ और कंटेंट जरूर शामिल करें। देखिए, मेरे युवा साथियों को भी भरोसा है कि देश के प्रधान सेवक को काम बताएंगे तो हो ही जाएगा। मेरे नन्हे से विद्यार्थी मित्र, पहले तो पत्र लिखने के लिए आपका धन्यवाद, एग्जाम वॉरियर 2-3 बार पढ़ने के लिए धन्यवाद, और पढ़ते समय उसमें से क्या कमी है ये भी मुझे बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ मेरे इस नन्हे से मित्र ने मुझे काम भी सौंप दिया है, कुछ करने का आदेश दिया है। मैं जरूर आपके आदेश का पालन करूंगा। आपने जो कहा है कि अगर मैं नई एडिशन के समय निकाल पाऊंगा तो जरूर उसमें मैं पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए कुछ बातें लिखने का प्रयास करूंगा।